नमस्ते, मैं माइक्रो मैजिशियन मुक्ति सर। आज माइक्रोवेव में गुजराती ढोकला वो कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कांच के बाउल में हम पानी ले रहे हैं, थोड़ा सा ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये सिलिकॉन का मोल्ड है, उसको ऑयल से ग्रीस किया है और इसको लीड कवर करके ढककर हमें अभी इसको एक मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, 1 मिनट के लिए, जैसे हम कुकर गर्म करते हैं ऐसे ही सेम। यहाँ पे ये वाइट ढोकले का बैटर है जिसमें 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल उसको भिगो के और फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड किया है और 6 से 7 घंटे तक उसको फर्मेंट किया है। फर्मेंट करने के बाद इसमें सिर्फ नमक डाल के ये तैयार किया है और ये हमारा वाइट ढोकले का बैटर तैयार है। अभी मैं इससे ट्राई कलर ढोकला बना रही हूँ। तो वाइट कलर का बैटर है वो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ। बैटर के मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं, तो एक बैटर में वाइट ही रहेगा, दूसरे में हमने यहाँ पे पालक की प्यूरी ली है और इसको मिक्स कर रहे हैं। पालक के साथ थोड़ी सी जो हरे धनिया की चटनी आती है वो भी यहाँ पे हमने मिक्स की है। और अभी एक और बैटर का पार्ट है, उसमें यहाँ पे लहसुन की चटनी और रेड चिली पाउडर दोनों मिक्स कर रहे हैं। ये तीनों कलर के बैटर हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ये हमारा जो गर्म हो चुका है और ये जो सबसे पहले हम वाइट बैटर इसमें डाल रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ नमक ही डाला है, अभी इसको लीड कवर करके इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए कर रहे हैं। 2 मिनट एंड माइक्रोवेव ऐसे ही सेम हम ये ऑरेंज का बैटर वाला और ग्रीन बैटर वाला भी ढोकला ऐसे ही बना रहे हैं। ये हमारा वाइट जो ढोकला है वो बन के तैयार हो गया है। अभी ये जो है वो ऑरेंज वाला रख रहे हैं, इसको भी हम 2 मिनट माइक्रोवेव कर रहे हैं। ये हमारा ऑरेंज फ्लेवर चटनी वाला फ्लेवर बन के तैयार हो गया। ये अभी ग्रीन वाला बना रहे हैं, इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रहे हैं। हमारे ट्राई कलर ढोकला बनके तैयार हो गए हैं।